हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफ स्टडी पर पार्ट ऑफ वन एकेडमी जैसा कि आप सभी को पता है डेली साढ़े बारह बजे आपकी क्लास चलती है क्रैक द मैथ तो उसका नाम है बेस्ट एवर क्वेश्चन हम कर रहे हैं इससे बार कुछ भी नहीं जाएगा लेक्चर नंबर वन हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़े और मज़ा आ जाएगा ये मेरी गारंटी है और आप बस पढ़ते रहें बढ़िया 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 चीज़ मेरे साथ मेरे नया फाउंडेशन बैच जिसका आपको इंतजार था जो कि साल भर में एक बार आता है आपको पता है वह अब शुरुआत होने जा रहा है कल से तो नया फाउंडेशन बैच कल से शुरू है जिसको जुड़ना है ना अभी से जुड़ना फिर बाद में दिक्कत ये होती है कि आप खुद ही नहीं पकड़ पाते हो तो आपको बस अभी से जुड़ना है अनकेडमी लर्नर ऐप पर जाना है एस एग्जाम में जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है चौबीस महीने का बैच लेना है और साहिल टेन एज ए कोड लगा देना है अब जैसी साहिल टेन एज ए कोड लगाओगे अप्लाई कर देना डिस्काउंट मिल जाएगा आपको साहिल टेन लगाकर आपको जुड़ना है मेरे साथ में और प्रोसीड टू पेपर जाकर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है ये बात याद रखना आपने, को रीडिम कर लेना आपने। साहिल टेन कोड लगाकर ही आपको जुड़ना है ये बात आपको बता देता हूँ जिससे कि आप अधिकतम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अन पर रात को एक मॉक टेस्ट होता है डेली होता है आपको देना है वो मॉक टेस्ट क्योंकि आप लोगों के लिए होता है ठीक है चलिएगा के पार्ट वन कर लिया मजा आ गया चलिए और पार्टनरशिप टेस्ट नंबर टू आज साढ़े छह बजे होगा जो कि ग्यारह वाली क्लास से रिलेटेड है और टारगेट द मैथ आपका ये जो पार्टनरशिप का टेस्ट है ग्यारह बजे वाली क्लास से रिलेटेड है साढ़े छह बजे होता है जो भी मैं ग्यारह बजे पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट लेता हूँ शाम को चलिए सर और रात को आठ बजे मॉक टेस्ट होते ही है। लिंक कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पर मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के पार्टनरशिप है आपके पास जहां पर आपको पार्ट टू लेक्चर नंबर आज हमने कवर किया है जिसे आप जाकर देख सकते हैं और देखना भी है क्योंकि सारी चीज तो मैंने आपको पढ़ाई है हम्म चलिए सो बुक की काफी तारीफ हो रही है भाई है ना निमित अच्छी बुक है वैसे तो मैंने कहा था कि सेट्स मैंने बढ़िया डाले हैं और अच्छा ही रहेगा आपके लिए हमेशा है ना चलिए और जस्टिफाइड है ना मतलब प्राइस भी जस्टिफाइड है चलिएगा आगे चलते हैं इस इस क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे आप मुझे तो मैंने कहा सर ये बढ़िया क्वेश्चन है ए और बी आपके पॉजिटिव पूर्णांक है अब बोला जा रहा है सर ये कैसे होगा तो मैंने लिखा यार ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर तिरपन है अब दिमाग लगाने के वाली बात ये आ जाती है कि अगर मान लो आप एक इधर जोड़ रहे हो एक इधर जोड़ दो आप अब जैसे ही आप एक इधर जोड़ देते हो तो ए प्लस वन और अगर बी कॉमन ले, ले लेते हो तो ए प्लस वन बन गया ना हाँ बराबर चौवन तो आपने दो देखा होगा कि यहाँ एक कॉमन ले लो चाहे तो अब दो आपके फैक्टर बन गए एक तो चौवन ए और बी तो के मध्य अंतर आपको बताना है और A और बी छोटे होने चाहिए तेरह से तो मैं देख सकता हूं नौ और ले छूँ नौ छिकी चौवन के हिसाब से हम बात कर सकते हैं भाई कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है ये और बहुत सॉलिड क्वेश्चन है ये आपको खुद को पता लग गया होगा तो सर नौ छिकी चौवन ले सकते हैं और ए बी तेरह uh, से छोटे हैं ठीक है तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका आठ हो जाएगा और बी बराबर आपका कितना हो जाएगा पांच क्योंकि नौ है और बी प्लस वन बराबर छ है तो अंतर क्या होगा ए और बी का ए और बी का जो अंतर होगा वो तीन होगा अब आप कहोगे सर इसको ही नौ क्यों लिया इसको नौ क्यों नहीं लिया अंतर ए बड़ा है तो ए को बड़ा लेना है और बी को छोटा लेना है क्लियर है भाई कैसा लगा क्वेश्चन जल्दी से मुझे बता दें आप ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है तीन अनुपात पांच दोनों संख्याओं में आपने जब बारह जोड़ दिया दोनों संख्याओं में जब आपने बारह जोड़ दिया तो उनका अनुपात जो हो जाता है वो पांच अनुपात सात हो जाता है अब डायरेक्टली रेशो बन रहा है ना दो रेशों की वृद्धि हो रही है यहाँ भी दो रेशों की वृद्धि हो रही है तो दो रेशो की जो वृद्धि है वो बारह के बराबर है एक बराबर छह है तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया आठ सिंग अड़तालीस सी लड़ाई कंसेप्ट <laughs> एक वस्तु का अंकित मूल्य आठ सौ चालीस रुपए है सर दुकानदार अंकित मूल्य पर पंद्रह परसेंट की छूट दे देता है फिर भी उन्नीस परसेंट का लाभ कमाता है तो कहानी बस वही चलेगी कि अंकित मूल्य आठ सौ चालीस है अंकित मूल्य पर छूट भी मिल रही है तो मैं लिख देता हूं सीपी और एमआरपी का रेशो आपने छूट दे दिया तो बीस से कितना हो गया तेरह सत्रह

आई बात समझ में मजा आया ए, ये हुई ना बात चलिए चार टीम दे रखी है टी वन टी टू टी थ्री और टी फोर ने एक क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया टीम टी थ्री ने सबसे कम रन बनाए टीम टी टू ने टीम टी फोर से अधिक रन बनाए और परंतु टीम टी वन के बराबर नहीं बना पाया कौन सी टीम कौन सी टीम ने तीसरे सबसे अधिक रन बनाए तो देखो भाई टी थ्री ने सबसे कम ठीक है टी टू ने टी फोर से अधिक परंतु T1 के बराबर नहीं यानी कि T1 इससे ज्यादा है तो बोला गया है कौन सी टीम ने तीसरे सबसे अधिक रन तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो T4 हो जाएगा D, ठीक है चलिए बद्री नारायण <coughs> मेरे को आप सोलह तारीख को किया ना तो मेरे को आप वो भेज दो है ना ऑर्डर आईडी भेज दो है ना क्या कहते हैं मेरे को क्या मतलब मेल कर दो अप्लीकेशन वाली आईडी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आज की शिफ्ट का पहला प्रश्न है और ये लीजिए आपके सामने इसको करके बताइए समय सीमा को मैं समाप्त कर देता हूं जब सीमा समाप्त हो जाती है तो चीजें और बेहतर बन जाती हैं। अब क्या करेंगे सर कॉमन ले लेंगे थीटा। अब जैसे ही थीटा कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया सेक माइनस का वन बाई बी वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक्स स्क्वायर थीटा होता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना है थ्री है ठीक है सर यह बात भी हमारे समझ में आ गई अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं वही वन प्लस टेन लिख सकता हूं उससे क्या होगा उससे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टेन और बराबर तीन यानी कि हमेशा याद रखना आपका जो राइट आंसर होगा वही सेक और टेन का, का रिलेशन है तो इसी के बराबर हो गया तीन और तीन है ना हमेशा ऐसे होता है सर फाउंडेशन बैच ज्वाइन ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा क्या आदित्य जोशी पढ़ने से होगा क्लियर अब आप यहां पढ़ो चाहे कहीं भी पढ़ो वो कंप्लीट बैच है अब ऐसा तो है नहीं ग्रुप डी से पहले वो खत्म हो जाएगा ऐसा तो नहीं होगा लेकिन ये है कि अगर आप आने वाला विजन देख रहे हो कि आपको मैथ के सुधार लेवल पर लेकर आना है मैथ को तो उससे बेस्ट बैच कुछ नहीं हो सकता है बस नेक्स्ट <coughs> थैंक यू सुजीत देखिए भाई टाइम्स अप मैं कर देता हूं और देखिएगा किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से सात बटे नौ उपलब्ध कुर्सियों में से नौ बटे तेरह भाग पर बैठे हो शेष लोग खड़े हैं यदि अट्ठाईस खाली कुर्सियां हैं और कितनी कुर्सियां खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता क्वेश्चन देखते ही सबसे पहली बात है हाँ क्वेश्चन देखते ही सबसे पहली बात है हिल जाता है बच्चा कि यार करूं तो कैसे करूं इस प्रश्न को क्योंकि क्योंकि आपको लग रहा होगा काफी लेंदी है मैं अब आप आपको इसको तरीके से बताने वाला हूं ठीक है चलिए हॉल में उपस्थित लोगों में से सात बटे नौ उपलब्ध कुर्सियों में से नौ बटे तेरह भाग पर बैठे हैं बताओ यार। है। ये बड़ी टेंशन दे दी इसने तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए है ना मान लीजिए कुर्सी कितनी है मान लीजिए माना कुर्सी वाई है तो कुर्सियों में से कितने पर बैठे हैं लोग नाइन वाई बाई तेरा सही क्या रहू ना पहले चीजों को समझो फिर करेंगे अब बची हुई कुर्सियां कितनी हो गई रिमेनिंग चेयर कितनी हो गई तो आप नौ बटे नौ बटे तेरा है ठीक है नौ बटे तेरह है तो ये कितना हो जाएगा चार बटे तेरा ठीक है बात समझ में आ रही है आप लोगों को नौ बटे तेरा है तो कितना हो जाएगा चार बटे तेरह ये चीज क्लियर है हाँ हाँ नौ बटे तेरा है तो चार बटे तेरह हो गया ये कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को किसी भी प्रकार से चलिए अब क्या बोला जा रहा है शेष लोग खड़े हैं भैया ये बैठे हैं ये खड़े हैं कुर्सियों पर और यदि अट्ठाईस खाली हैं कुर्सियां यानी कि अट्ठाईस खाली हैं ठीक है आराम से खाली कुर्सियां हैं अट्ठाइस इस तरह से बात चल रही है अभी आप ध्यान दे लो सामने तो क्या मैं इसको अट्ठाइस के बराबर कर सकता हूं क्या हाँ करो ना तो वाई बराबर नाइनटी आ गया नहीं आ गया तो टोटल कुर्सियां कितनी हो गई नाइनटी वन यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या बात है सर अब कुर्सियों की संख्या नाइन्टी वन आ चुकी है अब और कुर्सियों की संख्या नाइनटी वन आ चुकी है अब मैं ये बोल देता हूं कि लोग कितने टोटल लोग टोटल एक्स लोग हैं टोटल इतने लोग हैं तो सात एक्स बटे नौ, उपलब्ध होंगी अब यही कुर्सियां कितने के बराबर है सात एक्स बटे नौ, बात क्लियर हो रही है और ये किसके बराबर हो जाएंगी नाइन वाई बाई तेरा अब मेरी बात को अब गौर फरमा लिया होगा आपने x की वैल्यू निकाल लो तो सर सात एक्स बटे नौ इसको रखोगे आप नाइन इंटू नाइनटी वन आप इंटू तेरह तेरह सप्तेन में सात से काटा सात एक्स बराबर आ गया इक्यासी एक्स बराबर कितना आ गया इक्यासी तो टोटल लोग कितने हो गए इक्यासी अब बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति बैठा है और कितनी कुर्सियां खाली होती हैं कितनी कुर्सियां खाली होती है तो इक्यासी लोग हैं अब खड़े लोगों की संख्या निकाल दो उतनी कुर्सियां खाली हैं तो हम ये कह सकते हैं सर एक्स बाय नाइन सॉरी टू एक्स बाय नाइन क्योंकि सेवन एक्स बाई नाइन अगर बैठे हैं उन कुर्सियों पर तो टू एक्स बाई नाइन खड़े हैं तो 18 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन कैसा लगा जल्दी से मुझे बता दो ये वह प्रश्न है जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं बहुत ज्यादा आगे ले जा सकते हैं ठीक है तो चीजें देखिएगा सामने देखिए क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है ठीक हाँ। है तो देखिएगा माना कुर्सी मैंने देख लिया कि मैंने पहले कुर्सियों को माना अब उसी पर जो लोग बैठे हैं वही आपके लोगों के बराबर है जो वहां बैठे हैं क्योंकि संख्या तो बराबर ही होगी जितनी कुर्सियां हैं उतने लोग बैठ गए उससे रिलेशन निकाल दिया यहां से 28 के बराबर कर दिया कि भाई 28 खाली कुर्सियां हैं और इस तरह से अपना काम हो गया ठीक है एलसीएम से कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन में आप क्योंकि फिर आपको यह पता नहीं रहेगा कि कुर्सियों का एलसीएम क्या है और बक्तियों का एलसीएम क्या है तो इसलिए एलसीएम से मत करो नेक्स्ट आराम से करें यह अच्छा क्वेश्चन है भाई आज तक नहीं किया आपने ऐसा क्वेश्चन पहले बता देता हूं चलिए यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में चालीस परसेंट कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि होने वाला आय अपरिवर्तित परिवर्तित रहे तो आप कहानी जानते हो चालीस परसेंट कम का मतलब पांच से आपने कितना कर दिया तीन कर दिया अब ये कितना करना पड़ेगा तीन से पांच तो कितने की वृद्धि दो की वृद्धि तीन के रेस्पेक्ट में इंटू सो सिक्सटी सिक्स टू बाई थ्री सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स आई ना बात समझ में ये हुई ना बात ठीक है भाई अगला क्वेश्चन करिए आराम से करना है ना अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे अलग अलग रेट्स हैं और ये मैं बड़ा प्यारा क्वेश्चन समझता हूं इनको हमेशा से मैंने इनको हमेशा से बहुत प्यार दिया है इन प्रश्नों को पढ़ना मत तुम है ना बद्रीनारायण पढ़ना मत बस है ना अभी अभी सबर थोड़ी है भाई को अब यही मैसेज करता रहेगा पूरी क्लास में करता रहे भाई अभी ध्यान दो इस पे ध्यान दो देखो पांच हजार रुपये की बात है जो मैंने अलग से वीडियो बनाई है ना उसमें जाकर देखो ठीक है बद्री अब आप ध्यान देख लीजिए आप प्लीज सामने देखिए आप पांच हजार रुपए की बात है पहले साल का कितना हो जाएगा पांच हजार का चार परसेंट ठीक है गुरुजी जी मान ली बात आपकी दूसरे साल का कितना हो जाएगा पांच हजार का तीन परसेंट ठीक है ना भाई यस सर कोई दिक्कत नहीं और तीसरे साल का कितना हो जाएगा हजार का दो परसेंट ठीक है आइए तो यहां कितना हो रहा है सर दो सौ रुपए यहां से आ रहा है ब्याज डेढ़ सौ रुपए यहां से आ रहा है ब्याज और सौ रुपए यहां से आ रहा है अभी तो ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा अब ये दूसरे साल वाला इससे ब्याज लेगा किस रेट पर खुद की रेट पर किस पर तीन परसेंट पर तो ये हो गया सर तीन परसेंट निकालेंगे तो कितना हो रहा है छह ठीक है और तीसरे साल वाला भी लेगा दो परसेंट पर कितना हो गया? चार। अब तीसरे साल वाला लेगा दो परसेंट पर कि दो तीन और इस पे लेगा बारह पॉइंट बारह पॉइंट वाले वाला उत्तर है ये दोनों में से कोई भी हो सकता है अब जोड़ लो बस और क्या यूनिट डिजिट कितना आ रहा है सात सात और छह तेरह तीन वाला आंसर है यानी कि ये होगा आंसर हो गया डी खत्म तो जैसी बारे आ गया पहले तो मैंने इन दोनों को हटा दिया तुम भी हट जाओ तुम भी हट जाओ फिर मैंने देखा इस दशमलव छोड़ो अब इकाई अंक देखो तीन सात और छह तेरह बाकी सब जीरो जीरो तो तीन आएगा इकाई अंक तो तीन वाला ये रहा डी कविता कह रही है सर बहुत लेंदी हो गया कविता वो तो सोच सोच का फर्क है पहले या तो समझ लो या कर लो क्योंकि बच्चा पहले सीखना नहीं चाहता पहले चाहता कि आसानी हो जाए बस पहली बार में और ये यही तरीका भी यही है है ना इसी से करना है अपन को तो नेक्स्ट चलिए सर अब एक क्वेश्चन देखिए आप एक व्यक्ति चार घंटों में 480 किलोमीटर की यात्रा करता है जिनमें से कुछ यात्रा वह हवाई जहाज कुछ रेलगाड़ी यदि वह पूरी यात्रा को हवाई जहाज से करता तो रेलगाड़ी की तुलना में चार बटे पांच समय बचा लेता और अपने गंतव्य पर दो घंटे पहले पहुंच जाता तो रेलगाड़ी से यात्रा कर, करके तय की गई दूरी बता दो बड़ा मजेदार प्रश्न है आइए सिखाता हूं आइए मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि सर एक व्यक्ति चार घंटे में चार सौ अस्सी किलोमीटर की यात्रा करता है जिसमें कुछ भाग वो एरोप्लेन से जा रहा है और कुछ भाग वह ट्रेन से जा रहा है और कुल मिलाकर उसने चार घंटे का समय लिया है हमसे और 480 किलोमीटर की यात्रा तय की है अब कैसे भी करी हो हमें नहीं पता सर अब बोला जा रहा है यदि यदि इज द काल्पनिक कंडीशन यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता कि सारी की सारी यात्रा वो हवाई जहाज से कर रहा है तो रेलगाड़ी की तुलना में वह चार बटे पांच रेलगाड़ी की तुलना में वह चार बटे पांच समय बचा लेता है और अपने गंतव्य पर दो घंटे पहले पहुंच जाता है यानी कि सारी सारी यात्रा करते हुए वह दो घंटे पहले ही पहुंच जाता है यानी कि कहानी यहीं से शुरू हुई है कि जो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया समय है उसका चार बटे पांच दो घंटे के बराबर है बोलते हो तो रेलगाड़ी द्वारा कितना समय ले रहा है पांच बटे दो ढाई घंटे तो रेलगाड़ी कितना चल रही है ढाई घंटे तो प्लेन कितना चल रहा है डेढ़ घंटे ये हुई ना बात गुरु जी मजा कर दिया क्यों क्योंकि टोटल तो चार घंटे ही है तो ये ढाई घंटे चलेगी तो ये डेढ़ घंटे ठीक तो है मजा आ गया तो मैंने कहा बस अब काम खत्म क्योंकि जब आपको पता है कि 480 किलोमीटर की बात है और आप ये चेक करना चाह रहे हो कि दो घंटे वो बचा लेता है तो यानी कि दो घंटे में तय करेगा तो कितनी रफ्तार के साथ तो हवाई जहाज चलेगा 240 की रफ्तार के साथ में क्योंकि तो रफ्तार थोड़ी चेंज हुई है क्योंकि तो वो तो दो घंटे में तय कर रहा है ना तो रफ्तार तो वही हो गई तो 240 की रफ्तार से उसने कितनी दूरी तय कर ली 360 तो बची हुई दूरी कितनी है 180 कौन तय करेगा ट्रेन करेगी सॉरी तीन सौ बची ना एक 120 क्यों? 120 आंसर आ गया, ले लो। आप ट्रेन की स्पीड भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। मजा आया नहीं आया, बताओ? सर, PET में जो आपने पढ़ाया डिटो आया। देखो मजाक नहीं चाहिए हमें, सही बताना। ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, संदीप। चलिए मजा आया भाई किसी को कोई परेशानी तो नहीं है मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूं ऐसी कोई बात नहीं अपने कोई टेंशन वाली बात नहीं नहीं टेंशन वाली है है भाई घंटे टोटल टाइम है जब वो एरोप्लेन से चल रहा है, ट्रेन से भी चल रहा है चार घंटे में चार सौ अस्सी किलोमीटर की दूरी तय करनी है अब वो बोलता है बस यहां ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में जो है वो यहां ट्विस्ट है बस रेलगाड़ी की तुलना में चार बटे पांच बचा लेता है वो वहां ट्विस्ट है बस इस वाली लाइन में ठीक है चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कितना बचा लेता है तो रेलगाड़ी द्वारा लिए गए समय का चार बटे पांच बचा लेता है और वह किसके बराबर है दो घंटे के बराबर आपको कैसे पता क्योंकि बोल रहा है ना कि दो घंटे पहले पहुंच जाता है अब जहां चार घंटे लग रहे हैं वहां दो घंटे लगेंगे तो टाइम आपका ढाई दा, घंटे आ गया ना तो ट्रेन ढाई घंटे ले रही है तो साढ़े तीन घंटे प्लेन लेगा प्लेन साढ़े तीन घंटे ले रहा है तो यहां पर आपने उसकी स्पीड निकाल दी बोले कैसे बोले साढ़े तीन घंटे ले रहा है ना तो आपने स्पीड निकाल दी उसकी उसमें क्या दिक्कत हो गई ठीक है तो दूरी निकाल दी 360 और 360 अगर दूरी आ गई तो आपका काम हो गया ठीक है ना और ये बढ़िया क्वेश्चन है अब जैसे कोई दिमाग लगाएगा तो उसका ही हो पाएगा वरना तो यार कैसे हो पाएगा ये स्पीड कैसे निकली आपको पता है ना दो घंटे में तय किया होगा चार सौ अस्सी बटे दो स्पीड आ गई इससे आसान तरीका है कि एक बार कर लोगे तो अगली बार अपने आप आसान लगेगा चलो भाई अगला <coughs> भाई बुक के सारे सेट करके जाना पेपर से पहले बस चलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए एबीसीडी एक व्रत में अंकित एक चतुर्भुज है सर एक व्रत के अंदर व्रथ के अंदर अब व्रत के अंदर बनाना पड़ेगा ना एक ऐसा करते हैं एक चतुर्भुज बनाते हैं और व्रत को बाहर बना लेते हैं हाँ यह बात होगी ना ठीक है सर अब डी का नाम है अब बोला गया है कि इसकी रेडियस आर दे रखी है तो ये टू आर हो गया क्यों क्योंकि बिंदु के बीच से गुजरेगा ना वो तो व्यास ये आर है और ये आर है ये टू आर हो गया बोला जा रहा डी ए बी और बी सी डी कोणों के द्विभाजक क्रमश एक्स और वाई पर व्रत को प्रतिष्ठित करते हैं करने दो एक्स वाई की लंबाई बताओ बताओ भाई टू आर खत्म बात यही है वो बच्चा क्या कह रहा है सर सर क्वेश्चन याद है मेरे को मैं आपको भेज दूंगा हाँ भेज दो मेरे को क्वेश्चन फिर मैं देख लूँगा ना तो मेरे को हो जाएगा है ना ठीक है मेरे को भेज दो अगर आप कह रहे हो कि पूरा पेपर आया है तो एक बार देख लेंगे हम भी देखिए देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छे अच्छे हैं सारे पांच दोस्तों के बीच एक केक बांटा जा रहा है चार को केक का क्रमश इतना 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 हिस्सा मिलता है तो केक का कितना हिस्सा पांचवे दोस्त को मिलेगा तो आप एलसीएम ले सकते हो कितना चौबिस अब जैसी आप एलसीएम ले लोगे ना चौबिस तो कहानी देखो ये बदल जाएगी इसको मिल रहा है तीसरा हिस्सा इसको मिल रहा है चौथा हिस्सा बारह दोनी चौबीस इसको मिल रहा है दस और इसको मिल रहा है दो तो बचेगा कितना देखो सात और दो उन्नीस तो उन्नीस में से आपका बचा पांच पांच बटे चौबीस तो पांच बटे चौबीस हिस्सा अंतिम वाले को मिलेगा बी नेक्स्ट <laughs> चलिए x और x प्लस तीन का एल्सियम कितना होगा तो एल्सियम कितना हो जाएगा भाई x इंटू एक्स प्लस तीन कुछ ही नहीं है चलिए कौसेक ए कौसेक ए बराबर कितना है रूट टू है अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आप जानते हैं वन बाई पैंतालीस बस पैंतालीस से मामला सेट करना है आपको तो ये कितना हो जाएगा चार इन टू वन बाई टू और बटे दो यानी कि चार बटे चार एक आंसर आएगा है भाई अरे नहीं यार ये हो जाएगा रूट टू हाँ तो वही कहें बात तो ये हो गया टू बाई रूट टू यानी कि रूट टू आंसर आएगा फिर भी गड़बड़ी क्योंकि तो वो हो गया एक बटे दो गड़बड़े तो रूट टू आंसर आएगा भाई अपना तो आपका क्या आ रहा है तू रूट टू निकाल दिया आपने कैसे निकाल दिया बताना मेरे को अच्छा रू टू रूट टू निकाल भी दिया आप लोगों ने यार कैसे निकाल लेते हो आप कितने मतलब दिमाग कैसे चलता है हमसे तो निकल ही नहीं पा रहा है, है भाई हमारा तो रूट टू ही आ रहा है बार बार ही आपका टू रूट टू कैसे आ गया मतलब चाहे तुम ऑप्शन चाहे हो ही नहीं लगा के आ जाओगे चलिए तो आंसर इसका क्या होगा रूट टू होगा केवल अगला प्रश्न करिए चलिए तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है एक इंटू दो दो इंटू तीन तीन इंटू चार चार इंटू पांच पांच इंटू छ छ इंटू सात अब आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो डिफरेंस आ रहा है एक का पहला टर्म एक हो गया अंतिम टर्म सात हो गया तो ये कितना हो जाएगा भाई छे बटे सात <coughs> Next. <clears throat> <clears throat> चलिए एक कक्षा में 24 लड़के और कुछ लड़कियां थी एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 15 था जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 17 था तो कुल औसत स्कोर यह था मैं ये कह सकता हूं कि भाई 24 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं लड़कों का जो स्कोर है वो पंद्रह आ रहा है और लड़कियों का स्कोर सत्रह आ रहा है और ओवरऑल स्कोर कितना आ रहा है पंद्रह आ रहा है अब इस तरह के कॉन्सेप्ट में आप एलिगेशन लगाओ सबसे बढ़िया जुगाड़ है क्यों क्योंकि आपको ओवरऑल पता है बॉयज का पता है गर्ल्स का पता है जे एस एम लेंदी हो जाएगा यहां पर अब यहाँ घटाने में आसानी होगी आप 1.2 तो टू तो चार बारह और चार दुनिया आठ तो तीन बराबर आपका कितना है चौबीस लड़के हैं ना तो एक रेशो बराबर आपका आठ आ रहा है तो यहां हो जाएगा सोलह तो टोटल तो तो कितना हो गया भाई चालीस डी सर यूपी ट्रिपल एस में आपका कराया हुआ एग्जैक्ट डीआई आया सर और बताओ भाई ये है जीत स्वाभाविक तौर पर ये है भाई बात अब दो तीन लोगों के सोर्स आ रहे हैं पेपर दे दे के जो आ रहे हैं ये दिल खुश कर दिता आपने अब चलिए अगला आप देखिए क्वेश्चन कैसे होगा ये हो गया सर नाइन फोर्टी नाइन का हो गया सात तो ये कितना हो जाएगा सर नाइनटी माइनस एक्स बराबर फोर्टी नाइन एक्स बराबर कितना हो जा रहा है फोर्टी वन डी नेक्स्ट करिए चलिए चतुर्भुज की मैदान की भुजाओं का अनुपात दे रखा है दो अनुपात तीन अनुपात चार अनुपात पांच अब परिमाप दे रखा है तो परिमाप आप जानते हैं भुजाओं का योग होता है नौ और दो ग्यारह ग्यारह और तीन चौदह रेशो बराबर छह सौ अट्ठावन एक रेशो बराबर चौदह चौके छप्पन चौदह सत्ते अठन सैतालीस तो सबसे छोटी भुजा सैतालीस दूनी चौरान सीओ नेक्स्ट सर आज आपका पढ़ाया क्वेश्चन हु बहु मैथ्स पीटी में आ गया मजा आ गया सर ये भाई बहुत बढ़िया बात है ये तो एक बच्चा कह रहा है सर एन हर शिफ्ट करवा दो दीपू मैं अपने आप करवा दूंगा वो आपको कहने की जरूरत नहीं है लेकिन जब मैं कराऊंगा ना तो आपको यार टाइम ही नहीं लगेगा दीपू अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो कारण बहुत ही आसान है एक दो क्वेश्चन छोड़कर सारे मतलब कराने लायक मेरे को लगे नहीं सही बताऊं बात मेरे को ऐसा लगा नहीं कि यार ये करवाना चाहिए क्योंकि मतलब कर ही लोगे मतलब इतना आसान कॉन्सेप्ट से सारे के सारे एक एक दो क्वेश्चन छोड़कर तो मेरा विचार ये है आप बताइएगा सब विद्यार्थी कैसे सोच रहे हैं मैं ये सोच रहा हूं कि उन सभी सेट में से लगभग अपने नब्बे के करीब सेट होंगे उनमें से जो अच्छे क्वेश्चन है वो मेरा कराने का विचार है और जो मैं करा भी रहा हूं आपको पता लग रहा होगा कि दो चार क्वेश्चन जो अच्छे आ रहे हैं ना जैसे केक काटने वाला था वो सब उसी में से ले रहा हूं है ना आप उस चीज की बेफिक्र रहे हैं वो तुम्हारा काम नहीं है वो तुम्हारा काम बस निश्चिंत होकर आकर पढ़ाई करना है मेरे साथ पेपर फसवाना मेरा काम है ठीक है हाँ, और ये मैं कर रहा हूं काफी दिनों से अब पीटी का भी आया तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरा भी कि यार अपना पेपर आ रहा है पेपर में ये अच्छी बात है मेरे लिए अब आइए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए किसी संख्या का अस्सी परसेंट होता है चार बटे पांच किसी पचहत्तर परसेंट होता है तीन बटे चार सिक्सटी सिक्स होता है टू बाई थ्री पच्चीस परसेंट होता है एक बटे चार इसके बराबर है तो उसी संख्या का आपको चालीस परसेंट निकालना है तो अभी निकाल लेंगे हिसाब किताब देख लेते हैं पहले ठीक है अब देखो भाई चार से चार कट गया तीन से तीन कट गया दो से कट गया ये तो दस हो गया सिक्स थ्री सिक्स सेवन जीरो उसका दो बटे पांच करना है आपको भाई क्या आ रहा है देख लो उसका दो बटे पांच करना है बस तो पच्चीस चार सौ अड़सठ आंसर आ जाएगा पच्चीस चार सौ अड़सठ बी नेक्स्ट Aí... चलिए एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ पेन पेंसिल और रबड़ तीन अनुपात दो अनुपात एक के अनुपात में है सर बोला जा रहा है यदि प्रत्येक पेंसिल रबर के मूल्य क्रमशः तीन रुपये दो रुपये और दो रुपए हैं तो पूरे डिब्बे पर खर्च की गई राशि सात सौ बीस है तो तीन तीन नौ दो दूनी चार और दो नौ और चार तेरह और दो पंद्रह रेशो बराबर सात सौ बीस पंद्रह चौकीस साठ पंद्रह पांच पंद्रह चौकीस साठ पंद्रह अठे एक सौ बीस एक रेशो बराबर अड़तालीस तो बॉक्स में पैनों की संख्या बताओ सर अड़तालीस इंटू तीन एक सौ चौवालीस नेक्स्ट करी हाँ चंदन आइए और भाई सेशन को पूरा प्यार दिया करो मस्त वाला छह साल पहले पी और क्यू की आयु का जो अनुपात है वह तीन अनुपात दो है चार साल के बाद आठ अनुपात सात है तो छह साल पहले चार साल के बाद यानी कि दस साल का पूरा का पूरा गैप है आठ अनुपात सात तो तिया इक्कीस आठ दो सोलह पांच रेशो बराबर कितना हो गया दस एक रेशो बराबर हो गया दो तो पी की आयु कितनी है तो पी की आयु कितनी हो जाएगी छ लेकिन ध्यान रखना ये छह साल पहले है तो आपकी वर्तमान आयु हो जाएगी बारह साल तो पी की आयु कितनी हो जाएगी बारह साल हो जाएगी क्लियर है भाई साहब चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी सारी की सारी बातें और ये होमवर्क में करना है देखो क्या मस्त क्वेश्चन दिया है आर जीरो वन नाइन मजेदार चीजें यार तुम्हें विश्वास करना होगा पेपर फंसाना मेरी गारंटी है जब पत्थर मतलब पत्थर को भी अपन भगवान मान सकते हैं ना तो सिंपल सी बात है आपको कोई कभी समस्या नहीं होगी बस आप विश्वास करके देखिए पेपर मैं पूरा फंसा दूंगा ये मेरी गारंटी है और बताओ आप पूरा एक एक चीज और यही मैं आपको मोटिवेशन भी देता हूं मेरी क्लासेस को कभी ऐसे मत कंपेयर करो कि फलाने एग्जाम के लिए डिकाने एग्जाम के लिए ना 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 पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है और कोई भी एग्जाम में जाकर बैठो आप ये खुद समझ जाओगे कि मैथ की समस्या आप खुद समाप्त कर रहे हो अपनी जुड़कर वो भी कंटिन्यू रिजल्ट एक दिन में कभी नहीं आता उसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है और वो मेहनत जो बच्चा करेगा उसके साथ मैं तो हमेशा हूं छाया बनकर खड़ा हूं पेपर में भी पीछे से मेरी आवाज सुनाई देगी ठीक है चलिए तो बस पढ़ाई करो जोरदार वाली मैं हूं ना यार अब टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग रात को आठ बजे मॉक टेस्ट लगाओ भाई किसका इंतजार है लगाओ डेली डीआई कराता हूं वहां सब कुछ होता है पढ़ो पार्टनरशिप टेस्ट नंबर टू होगा जो पढ़ा रहा हूं उसका टेस्ट लेता हूं लगातार चल रही है मेरी मेहनत आप लोगों के लिए साढ़े छह बजे टाइम पर आया करो लेकिन अब कुछ लोग टाइम पर ही नहीं आते कितना बोल दो चाहे तो चिकने मत बनो यार चिकने घड़े मत बनो की बात का फर्क ना पड़े ऐसे बनो कि बस सुन लिया और टाइम पर आना शुरू कर दिया बस ये चाहता हूं मैं आपसे साहिल टेन कोड लगाकर आपको मेरे साथ मेरे नए कोर्स जो कि मेरा फाउंडेशन बैच है जिसका इंतजार आपको पिछले साल से था ये जो मेरी क्लासेस है इसकी फ्री क्लास की लिंक तो कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पर मिल जाएंगी जो मेरा फाउंडेशन बैच है जिसका इंतजार था वो कल से शुरू हो रहा है भाई तो जिनको जुड़ना है ना जो विद्यार्थी आज से शुरू कर रहे हैं चीजों को आने वाले एग्जाम को देना चाहते हैं बेफिक्र के जुड़ो आप ठीक है हाँ। बेफिक्र के जुड़ो कोई भी एग्जाम हो मैं आपका सिलेक्शन करवाऊंगा मैंने लिख रखा है एस बैंक रेलवे डिफेंस ऑल एग्जाम्स एक कोर्स पढ़ना है बस खत्म काम फिनिश टाटा बाय बाय सी एग्जाम पर जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए जाइएडमी पर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद चौबीस महीने का कोर्स लीजिए साहिल टन लगाइए साहिल टन लगाते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये मेरे साथ कनेक्ट भी हो जाओगे आप फायदा है ना इससे काफी फीचर सारे हैं ही आज के डाउट फीचर जो भी पूछना है डाउट फोटो खींच के पूछ सकते हो साहिल टन कोड लगाकर आपको जुड़ना है अन अकेडमी पर प्रोसीड टू पेपर आप चले जाना प्रोसीड टू पेपर आप चले जाओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको और साहिल टैन लगाकर आपको मेरे जो कॉम्बेड वॉम्बेड देते हो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा है ना

चलिए तो बस अच्छे से पढ़ाई करो थैंक यू सो मच काफी अच्छा लगा आज और काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि यार हम पेपर रहे हैं आपके लिए ठीक है तो अपना ध्यान रखो पढ़ाई करते रहो जो कहता हूं वो कंटिन्यू करो मॉक टेस्ट लगाओ जो भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं उनसे आप प्रैक्टिस करो बाकी बस मस्त रहो टेक केयर लव यू ऑल मिलते हैं आपसे अगले सेशन में साढ़े छह बजे अपना टेस्ट होगा उसमें जरूर आइएगा है ना और फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है जरूर जुड़िएगा जो भाई बहन अलग अलग दूर दराज से पढ़ना चाहते हैं बेस्ट क्वालिटी का जरूर फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें अपना अन अकेडमी पर टेक केयर लव यू ऑल